y का मान निकालना है, यानी कि y का वैल्यू निकालना है। अब आप बोलोगे लिखा तो है सॉल्व, यानी कि हल करना है, तो आपको पता कैसे चला कि y का मान निकालना है? देखिए, क्योंकि y हमें डिस्टर्ब कर रहा है। इसका मतलब क्या, देखिए ये तराजू है ना, अब बोलोगे ये तो तराजू नहीं है, तो इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण, उसी का मतलब बैलेंस तराजू, सब एक ही होता है। ये तराजू है, ठीक, दोनों बराबर कब होगा, ठीक है, दोनों पर एक जैसा कब होगा, जब इधर जितना किलो रखेंगे सामान उतना किलो लोहा वजन इधर भी रखेंगे, तब ना दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए, छः तो नॉन है ना, नॉन यानी कि जान पहचान का है, ठीक है, ये छः जो है वो जान पहचान का है, नॉन है, परिचित है। ए से लेकर जैर तक का जो रहता है ना, वो अपरिचित है, यानी कि अननोन है, अननोन वैल्यू है, अननोन वैल्यू यानी कि अपरिचित है। तो हमें क्या पता है कि वाई के जगह पर मैं क्या दूंगा, छः का तो पता है कि मैं छः है, चार का भी पता है कि छः चार तीन पाँच वाई चार आठ, ये सब नोन है यानी कि परिचित है, जान पहचान का है, ठीक है। लेकिन ये जो वाई है, वाई क्या है, अनजान है, यानी कि अपरिचित है, बिना जान पहचान का है, क्लियर। इसलिए मैं वाई का मान निकालूंगा, तो वाई का मान हमें निकल जाएगा, फिर छः को जोड़ दूंगा, वाई का मान जो निकलेगा उसके साथ, फिर उसको चार से भाग दे दूंगा, तो इसको सॉल्व करूंगा, फिर दोनों को जोड़ूंगा तो इधर भी आ जाएगा बराबर, क्योंकि बराबर है, तो ऐसे करूंगा, ठीक है। इसलिए मैंने पता लगाया कि वाई के जगह पर कुछ भी रह सकता है, इसलिए मैंने बोला कि वाई के मतलब वाई का मान निकालना है, ठीक है। अच्छा, वाई के जगह पर इसे लेकर जर तक का कुछ भी रह सकता है, क्लियर। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन यानी कि हल, इस क्वेश्चन को उतार देंगे, नहीं तो मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, इसको दोबारा यहाँ पर उतारना है, मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। तो लकीर खींचेंगे जिसमें सब विद्यार्थी आगे रहता है, सब स्टूडेंट, ठीक। अब देखिए, चार और पाँच के एलसीएम करेंगे, लघुत्तम करेंगे, तो 20 होगा कि नहीं होगा, सुनो। चलिए, फिर चार को कितना भिंजर हो गया ना, भिंजर हो गया क्या, भिनेजर है, अलजरा सब देखिए कन्फ्यूज कर दिया है, इस टाइप का भिंजर सब आपको आना चाहिए, आने का तो बहुत सारा चीज़ आना चाहिए, लेकिन कम से कम की बात करें, बेसिक आपको आना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करते हैं, 214 होता है ना, 14, दो को कितना बार पढ़ते हैं, 14 आता है, 7 बार, आप डिवाइड भी कर सकते हो इसे करके, ठीक है, नहीं तो 14 को ऊपर दे देंगे, दो को नीचा, ऐसे भी कर 7, उस 7 को ऊपर से गुना करते हैं, ठीक। यहाँ भी तो वही ना हुआ, यहाँ भी वही सेम कंसेप्ट, सेम अवधारणा लगेगा। चार को कितना बार पढ़ेंगे, 20 आएगा, 5 बार, उस 5 को ऊपर का से गुना करते हैं ना, न्यूमरेटर यानी कि अंश से गुना करते हैं। अब मैं प्रीवियस वीडियो से मैं बता रखा हूँ, ठीक है, बताते रहता हूँ कि गुना रहेगा, घटाव रहेगा, इसका बाद का ब्रैकेट में देंगे, ब्रैकेट में देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, गुना है, इसके बाद का क्या देंगे, ब्रैकेट में, ठीक बात, प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, फिलहाल में प्लस है तो प्लस देंगे। 5 को कितना बार पढ़ेंगे, 20 आएगा, 4 बार उसको गुना कर देंगे ऊपर का वाला से, ठीक है। फिर देखिए गुना के बाद में ब्रैकेट में, ठीक बात, इसको तो एज इट इज में कभी उतार देंगे, दिक्कत। अब देखिए ये बराबर है ना, अच्छा देखिए बाद में बताएंगे, लकीर खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पर शुरू में कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ भी शुरू में कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस से छुपा हुआ, नहीं भी देगा तो चलेगा दौड़ेगा, और कोई भी ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, ठीक है, सब मैं मोटा मोटी बता चुका हूँ, ठीक है। तो प्लस 5 को वाई से गुना, 5 को गुना करेंगे वाई से, प्लस को गुना करेंगे, यहाँ पर देखिए छुपा हुआ है गुना है, प्लस को गुना करेंगे प्लस से तो परसेंट होगा, तो 5 को गुना करेंगे वाई से, 5 बाय, तो इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख दीजिए 5 बाय, क्योंकि प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा, ठीक है, छुपा हुआ है। तो कहने का मतलब है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, ठीक है, उतना घसरा नहीं है, समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लस 5 को वाई से, तो 5 बाय, प्लस 5 छके 30, फिर प्लस को गुना करेंगे, यहाँ पर प्लस छुपा हुआ इससे तो प्लस, 4 को वाई से गुना करेंगे तो 4 बाय, ठीक, प्लस और माइनस 4 × 12 = 20 बराबर 5 बाय माइनस 4/8, क्लियर, ओके, बराबर। अब क्या करेंगे, लाइक को एक जगह, एक जैसा दिखने वाले को एक जगह, 5 बाय, यहाँ पर 4 बाय, 4 है, ठीक है, 4, तो वाई वाई वाला को एक जगह कर दिए, बिना वाई वाला को यानी कि नंबर से वाला को एक जगह, तो आपको घसरा नहीं है, मैं समझाने के लिए, फील देने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो वाई वाला को मैंने क्या किया,
आपको घसरा नहीं है इतना, ठीक है, मार्क्स तो नहीं मिलेगा ऐसे में। वाई वाला को एक जगह किया, ई ब्लैक है, ई ब्लैक है, एक जैसा लाइक वाला को एक जगह, एक जैसा को एक जगह, वाई वाई वाला को एक जगह, नंबर नंबर वाला को एक जगह, ठीक है। नीचे वन बीस दे देंगे बराबर पाँच बाय मानो चार बटे आठ, यहाँ देखो दिक्कत, ओके। अब देखिए बराबर लकीर खींच देंगे नीचे में बीस तो बीस। अब देखिए वही बात, शुरू में कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस 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 पाँच चार नौ बाय, नौ बाय क्लियर, पाँच चार नौ बाय, दोनों में से बारह पाँच, पाँच का चिन्ह प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा दौड़ेगा, प्लस माइनस माइनस तीस में से बारह गया तो अठारह, माना प्लस माइनस माइनस तीस में से बारह गया तो अठारह। अब दोनों में से बारह कौन है, दोनों में से बारह, दोनों में से बारह है ये तीस, तीस का चिन्ह प्लस, तो प्लस देंगे, ठीक, फिर बराबर ये उतार देंगे। देखिए इसमें बाई है, इसमें बाई नहीं है तो ये दोनों घटेगा नहीं, इसमें बाई है, इसमें बाई नहीं है तो ये दोनों जुड़ेगा भी नहीं, यानी कि अनलाइक है, अनलाइक यानी कि बिजाती है, अलग अलग है ना तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूंकि बराबर है, बराबर है, देखिए मैंने ऐसे कलम रखा ना, अच्छा वेट अ सेकेंड, देखिए ऐसे और ऐसे, ये है ना बराबर, ऐसे तो ऐसे ऐसे कटेगा, जैसे पेन रखा है ना उसे कर सकता है और ऐसे भी कर सकता है, और गुना वाला में, गुना वाला में अगर मान लीजिए ऐसे रहता इस टाइप का, ऐसे ऐसे है तो ऐसे ऐसे कटेगा और ऐसे ऐसे कटेगा, लेकिन बराबर रहेगा तो बराबर ऐसे ऐसे भी कर सकता है और ऐसे ऐसे भी, दोनों में कॉमन बात क्या है, ऐसे ऐसे कटेगा इसमें भी और इसमें भी, इसमें ऐसे ऐसे नहीं कटेगा, इसमें ऐसे ऐसे नहीं कटेगा, इसमें ऐसे ऐसे नहीं कटेगा तो इसमें ऐसे ऐसे कटेगा, इसमें ऐसे ऐसे कटेगा तो इसमें ऐसे ऐसे नहीं कटेगा, क्लियर, कन्फ्यूजन नहीं कर गए, कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट करना है। यहाँ पर देखिए ऐसे है, ऐसे है, इसमें ऐसे ऐसे है तो ऐसे ऐसे कटेगा, ऐसे ऐसे कटेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे फिर नहीं कटेगा, इसमें ऐसे वाला है तो ऐसे ऐसे कटेगा तो ऐसे ऐसे नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छा तो अब इसको यहाँ पे नीचे में क्या है, एट है, इसको काट दीजिए, दो दहें बीस यानी कि ट्वेंटी, टू टेन जा ट्वेंटी और टू फोर जा एट, फिर टू फाइव जा टेन और टू टू जा फोर, कट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बराबर ऊपर में क्या बचा, नौ बाय प्लस अठारह, अठारह एटीन बाय नीचे में पाँच, नीचे में पाँच, कोई दिक्कत, अच्छा बराबर ऊपर का वही क्लियर, अब नहीं होगा कुछ, अब नहीं होगा कुछ, ठीक है। इसको मिटा देंगे, साफ सुथरा बनाना है, ठीक है, ये सब यहाँ पे नहीं करना है, ये सब रफ वगैरह यहाँ पे नहीं करना है, पीछे के पेजों पे करना है, इसको जितना साफ सुथरा अच्छा से बनाइएगा उतना अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है, इसको एकदम अच्छा सा, पेन भी चेंज नहीं करना है, मैं आपको बोले ना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हाईलाइट कर दिया जिससे आपको नज़र आए अच्छा से दिखे, वैसे तो ये वाला पेन से भी अच्छा से दिखेगा, लेकिन आई होप कि मेरा बात समझ होंगे आप लोग, ठीक है। चल गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो हो गया ना, यहाँ तक हो गया ना, अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं होगा, न ये दोनों जुड़ेगा न ये दोनों घटेगा, कुछ नहीं होगा, कटवो नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा, जब कुछ नहीं होगा तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसे क्रॉसिंग कर देंगे, इसे ऐसे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, जैसे पेन रखे हैं इसे, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, समझे बात, चलिए चलिए करते हैं, इसको इससे करिए मल्टीप्लाई, या इसको इससे किए बात बराबर हुआ, तो मैं इसको इससे करता हूँ, यहाँ पर लिख देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई, हिंदी मीडियम में वर्ज गुणन करने पर, या जैसे स्टाइल में बोलते हैं कोना कोने गुना करने पर, ठीक है, इसको इससे गुना करते हैं, मैंने बोला ना गुना के बाद ब्रैकेट में, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे करेंगे बराबर, तो बराबर देंगे ना, दो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप इधर दे सकते हैं, इसको इधर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है कि मैं पांच को इससे किया, आप इसको इससे करो, बाद में इसे इसे करो, यानी कि ये उल्टा पुल्टा होगा, बराबर है ना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत, अच्छा फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, अभी तो मैंने बताया है ना यहाँ के ऊपर में, इसको इससे, ठीक, अच्छा बराबर, अब यहाँ पे वही बात, घिसा पिटा, प्लस से छुपा हुआ, ठीक है, नहीं भी देंगे चलेगा, प्लस को गुणा करेंगे प्लस, तो प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा दौड़ेगा, ठीक है, पाँच को पाँच से करेंगे तो पच्चीस हुआ, इसमें इसमें नहीं है तो पच्चीस हुआ, यानी कि पाँच को पाँच वाई से करेंगे तो पच्चीस हुआ, प्लस माइनस माइनस, पाँच को गुना करेंगे चार से तो बीस हो गया, तो हुआ ना प्लस प्लस प्लस,
पचे पच्चीस वाई, पाँच को पाँच वाई से कहते पच्चीस वाई, प्लस माइनस माइनस पाँच को चार से कहते बीस बराबर, फिर प्लस 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 नहीं भी देंगे चलेगा, दो को नौ वाई से गुना करेंगे तो अठारह वाई, अठारह वाई एटीन वाई, प्लस 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 दो को अठारह से करेंगे तो छत्तीस, ठीक बात बराबर। अब देखिए यहाँ पर बराबर के जगह पर मैंने रखा है, ठीक है बराबर के जगह पर देखिए, इधर भी y और नंबर सब है, इधर भी y नंबर सब है, तो एक जगह कर देंगे ना। देखिए इस हाथ में भी आपको पाँच रुपया दस रुपया का सिक्का है, इस हाथ में भी पाँच रुपया दस रुपया का सिक्का है, तो आपके लिए अच्छा क्या होगा, अरेंज कर लेंगे, ये पाँच रुपये वाला सिक्का को एक हाथ में कर लेंगे, दस रुपये वाला सिक्का को एक हाथ में कर लेंगे। उसी तरह इधर भी है नंबर और वाई सब वाला, इधर भी नंबर और वाई सब वाला है, तो वाई वाला को एक जगह कर देंगे, जिसका वैल्यू निकालने को एक जगह करते हैं, तो ज़्यादातर एल एच एस में यानी कि बाई ओर करते हैं, तो बाई ओर कर देंगे, ये तो पच्चीस वाई इधर का इधर ही रहेगा, ठीक है। अब इधर भी वाई, इसको यहाँ से उखाड़ेंगे और इधर लेके आएंगे, यहाँ पर प्लस है छुपा हुआ, तो प्लस पेन के इधर, पेन मतलब क्या बराबर, बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये फुदक के इधर आ जाएगा, पेन के इधर, पेन मतलब क्या बराबर है, तो पेन नहीं बोलिएगा बराबर बोलिएगा, मैं पेन के जगह पर आपको फील देने के लिए, कंसेप्ट के लिए रखने के लिए, ठीक है कि उठ के इधर यानी कि फुदक के इधर आ गया तो माइनस हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो कलम के इधर आता है तो प्लस हो जाता है, साइन चेंज होगा, ठीक है, माइनस रहता तो प्लस होता, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया, फिर नंबर क्यों एक जगह छत्तीस, ये तो इधर है ना, तो ये तो इधर है, तो बराबर की जगह पर बराबर देंगे, ये तो इधर है ना, ये तो इधर है, यहाँ पर छत्तीस। अब आप बोलोगे आपने प्लस कहाँ दिया, तो मैंने क्या बोला, बार बार तो वही ना बोल रहा हूँ, तब से प्लस छुपा हुआ है, तो ये तो इधर है, तो इसको साइन का ही चेंज करेंगे, इधर इधर ना घोर मोर खेलेगा जी, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये हो गया, हाँ ई ई फूद के गए, इधर फूद ई फूद के गए, ये इधर तो माइनस है, ये इधर प्लस हो जाएगा, इसको बोलते हैं बाय ट्रांसपोजिशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, ट्रांसपोजिशन पोजिशन या शिफ्टिंग या स्थानांतरण या पंचांतरण, ठीक। देखिए वाई वाला एक जगह, वाई वाई वाला एक जगह, ए बी सी डी चिपका वाला एक जगह, बिना ए बी सी डी वाला एक जगह, ठीक है सॉरी बराबर, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है तो प्लस माइनस माइनस, पच्चीस माइनस अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाई तेईस चौबीस पच्चीस, कितना हो जाएगा सात वाई, दोनों में से बड़ा पच्चीस नहीं भी देंगे तो चलेगा बराबर। फिर देखिए दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे छः जीरो छः तीन दो छप्पन होगा, ठीक। अच्छा इजी इजी है तो वही फिंगर पर या माइंड पे कर लेंगे, बस हो गया, सब में पेन चलाना जरूरी नहीं है, ठीक है, याद को दिक्कत। अच्छा अब यहाँ पे देखिए गुना है ना, गुना है ना, आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, बैठा सकते हैं यहाँ पे देखिए, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कहा गया सात वाई बराबर छप्पन, चूँकि यहाँ पे गुना है तो सेवन वन जा सेवन, सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स, यानी कि सात अठे छप्पन, ऐसे भी कर सकते हैं हमने, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे कर दीजिए, बात बराबर होगा, तो वाई का वैल्यू ऐसे ऊपर जाएगा नोमिनेटर में, ठीक बात, और ये कहाँ जाएगा नीचे, ये कब होता है जब गुना होता है, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना, तब ऊपर नीचे जाएगा, अगर ऐसा रहेगा तब भी नहीं कर दीजिएगा ऊपर नीचे, अभी नहीं कर दीजिएगा इसे, ये ऊपर ये नीचे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वाई का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस है ना, प्लस माइनस रहेगा तब ऐसे होता है, शिफ्टिंग होता है, वही ट्रांसपोजिशन, तो यहाँ पे प्लस इधर जाएगा तो माइनस ऐसे होगा, ठीक है, ये सब खास ख्याल रखिएगा, प्लस माइनस होगा तब ये वाला होगा ट्रांसपोजिशन, साइन चेंज होगा, हाँ गुना होगा, कहाँ गया यहाँ पे गुना होगा दोनों के बीच में, तब जो वाई का मान निकालेंगे तब इधर वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे, गुना होगा तब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये सब खास ख्याल रखिएगा, हाँ देखो दिक्कत, देखिए यहाँ पे गुना है ना, इसलिए मैंने ऊपर नीचे किया, ठीक है, सात कम सात, सात अठे छप्पन, यानी कि सेवन वन जा सेवन, सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स, एट बाई वन, एट नहीं वन नहीं भी देंगे नीचे में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो वाई का वैल्यू क्या हो गया एट, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस द वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू एट, बोल्ड कर दीजिए दोबारा, पेन चला दीजिए, सुंदर लगेगा दिख रहे, एट आंसर क्लियर हो गया, दिक्कत होगा तो कमेंट करना। अब देखिए अब मैं आपको इसको चेक करना भी बता देता हूँ कि मैं कैसे समझूंगा कि मेरा सवाल क्या है, मैं कैसे समझूंगा कि मेरा सवाल क्या है सही है, मैं कैसे समझूंगा कि मेरा सवाल सही है, क्लियर। देखिए पहले ये आपको बताना है, ये नोट करना है, पहले कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट करना है, ये नोट करना है,
देन आफ्टर ये नोट करना है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको प्रूव करूंगा कि मेरा सवाल सही है या गलत है। देखिए ये तराजू है, तराजू के इधर में जितना आएगा उधर भी इतना आएगा, तब ना दोनों बराबर होगा। उसके लिए यहाँ पे करेंगे चेक, चेक यानी कि जांच करेंगे। देखिए y प्लस 6 बट्टे 4 प्लस y माइनस 3 बट्टे 5 अपन 5, ठीक है, बराबर 5y माइनस 4 अपन 8 यानी कि बट्टा 8 या बाई 8, ठीक। ये जो है ये किस पलराम में है, इस पलराम में है बराबर, तो बराबर ये किस पलराम है, ये पलराम है, तो इधर जितना होगा इधर भी उतना ही होगा, तब सही है, नहीं तो अदरवाइज गलत है, ठीक है। तो चलिए बनाइए, लकीर खींचेंगे नीचे में 4, लकीर खींच के नीचे में 4, वाई का वैल्यू कितना आया 8। वाई की जगह अब नहीं डिस्टर्ब करा, पहले क्या शुरू में डिस्टर्ब करता था, तो वाई का वैल्यू क्या देंगे, अननोन था, बिना जान पहचान का था, अब अपने लोग जान पहचान तो बढ़ा लिए, ठीक है। वाई का तो समझ गए, वाई का वैल्यू 8 है, ठीक है, यहाँ पर 8 प्रूव कर देंगे, पुट कर देंगे, रख देंगे 6, फिर जोड़ वाई का वैल्यू 8 है बटे 3 बटे 5 बराबर 5। अब देखिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, ठीक है, दोनों के बीच में कुछ ना रहता है तो गुना रहता है, ठीक है। आप लोग के बस सपोर्ट कीजिए ना, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे मैथमेटिक्स को, ठीक है। बस आप लोगों से हमको एक ही चीज़ चाहिए, सपोर्ट, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, ठीक, तो प्लस 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 8 × 14 बटे 4 प्लस, फिर यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, प्लस 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 8 × 3 गए तो 5 बटे 5, फिर यहाँ पर 8 ना देंगे तो अपने बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पर गुना का तो 40 हो जाएगा बटे 4, ठीक हो गया ना। अच्छा अब इसको छोटा छोटा काट भी सकते हैं, तो 7 × 14 × 2 = 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 7 × 2 जो इकर गया कर गया, तो 1/1 तो 1 नहीं हुआ, ठीक है, एक देना चाहते तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अभी 40 में से 4 जाएगा तो 36 × 8 इसको काट दीजिए, 2 × 18 = 36, 2 × 4 = 8, फिर 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4, क्लियर। चलिए अब इसके आगे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, कोई दिक्कत, अच्छा इसके आगे यहाँ पे बनाता हूँ। देखिए सर एक नीचे में कुछ नहीं है तो एक बराबर, इधर कितना आ गया 9/2, इसके आगे बना रहे हैं यहाँ पे, इसके आगे बना रहे हैं, इसके आगे चीज उतार दिया बराबर, तो बराबर फिर 9/2 आया, ठीक है। अच्छा इसको फिर सॉल्व करेंगे, ये नहीं है कुछ, इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो गया तो 2, देखिए 2 को कितना बार पड़ेगा, 2 आएगा एक बार, उसे को 7 से करेंगे तो 7 ही ना होगा प्लस, यानी 2 मिल गया तो ऊपर का 7 जोड़ तो जोड़, 1 को कितना बार पड़ेगा, 2 आएगा 2 बार, उस 2 को ऊपर से गुना करते हैं ना तो 2 ही होगा बराबर 9/2। देखिए तो 9/2 इधर भी, 9/2 इधर भी, दोनों आया 9/2, ठीक है। अब काट भी सकते हैं, फिर एक बार मतलब कुछ भी करेंगे तो दोनों और बराबर ही हुआ, ठीक है, दोनों और बराबर हुआ, यानी कि इधर कितना आ गया 9/2, या एक ही बात हुआ ना, 9/2 × 2 कर गया एक बराबर एक, ठीक है, इधर एक आया, इधर भी क्या आ गया एक, या कोई सुरेंद्र बोलेगा 9/2 इधर भी 9/2, मेरे कहने का मतलब है इधर जो आएगा इधर भी वही आएगा, तब ना बराबर हुआ, फिनिश।